गुड मॉर्निंग इंडिया। राजस्थान जी के शाम 6 बजे, बिहार जी के शाम 7 बजे, यूपी जी के रात 10 बजे, हरियाणा जी के रात 11 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप कुमार शुक्ला। वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। चलिए क्लास करते हैं। हरियाणा में जो हम जिले कर रहे थे, जिले में कुछ अभी जिले रख दिए हमने एक्स्ट्रा, क्योंकि ढेर सारा जिला जिला करते करते जिला गए थे, मतलब पगला गए थे, ठीक है। तो जिले कभी किनारे रख दिया, एक दो चार छह जिले बचे, वो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार मैं हमेशा बोलता था कि यार उद्योग करेंगे उद्योग करेंगे उद्योग करेंगे, और आज वो दिन आ ही गया जिस दिन उद्योग कर रहे हैं। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल सभी लोग का, सभी को राम राम, गुड इवनिंग। एग्रेसिव विजय गौतम, बात एग्रेसिव की नहीं है, एग्रेसिव नहीं हुआ हूं मैं। मुझे गुस्सा इस बात की आती है कि यार जान लगा के पढ़ाते हैं यहां पे हम, मतलब मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा चीखना चिल्लाना पड़ता है यार। फिर मुझे खुद भी रूम में पढ़ना है, और मैं पढ़ाते टाइम पे कोई अननेसरी बातें करता है, कमेंट करता है, मेरे को गाली देते हैं, उससे ज्यादा फर्क मेरे को नहीं पड़ता। लेकिन वो आपस में लड़कियों को कुलपटंग करना, लड़कियों के पीछे पड़ जाना, लड़कियों को कुलपटंग बातें बोलना, आई लव यू बोल, अरे वो लड़की तैयार नहीं, तो क्यों भाई तू क्यों पीछे पड़ा उसके। वो बार बार उसको मैसेज करेंगे, तुम अपना मोबाइल नंबर दो, तुम अपना एड्रेस दो, वो गंदा लगता है। मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन होगी। अब अगर मेरी बहन को कोई ऐसा कहेगा या कि आपकी बहन को कोई ऐसा कहेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो वो जिस लड़की को कोई परेशान कर रहा है, वो भी किसी की बहन होगी यार। तो इस कारण से मुझे गंदा लगता है, फिर मैं ब्लॉक कर देता हूं। और हालांकि ब्लॉक करने के बाद मुझे गंदा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसे लोगों ना पढ़े तो ही अच्छा है, ठीक है। चार लोग छह लोग पढ़े कोई दिक्कत है। बिहार की क्लास में देखिएगा आप लोग, तो फिर भी ज्यादा आ जाते हैं। बिहार में तो 250 300 400 में रहते हैं क्लास, बहुत मजा आती है मुझे पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि वहां पे एक सिंगल निगेटिव कमेंट, अगर आप आज, मैं आपको चैलेंज करता हूं आज, आप बिहार के क्लास में आइएगा, अगर एक सिंगल निगेटिव कमेंट किसी बिहार के लड़के ने किया तो मुझे बताइएगा, क्लास लेना छोड़ दूंगा। इतने डिसिप्लिन्ड है। यूपी की जीके में पगलाए हैं आजकल लड़के, करंट अफेयर्स में पगलाए हैं। हरियाणा में पता नहीं क्या है, मतलब होता क्या है कि अगर आप ऐसी बातें करोगे ना, तो हम जब टीचर आपस में बैठते हैं तो बोलते हैं यार कि हरियाणा क्लास पढ़ाने का मन नहीं करता। क्यों? अननेसरी बातें करते हो आप लोग। आपस में दो चार छह लोग ही बात करते होंगे, सब नहीं करते, लेकिन दो चार छह लोग भी अननेसरी जब बात करते तो गुस्सा आती है। कसम से बता रहा हूं, जब हम टीचर आपस में बैठते तो मुंह से निकलता है मेरे, यार हरियाणा बंद कर दूंगा किस दिन में, इतना बकवास झेलना मेरे बस की नहीं, मुझे खुद भी पढ़ना यार, ये लगता है। लेकिन मुझे कोर्स स्टार्ट किया तो कंप्लीट करवाना पड़ेगा, नहीं तो जिस प्रकार की हरकतें करते हैं हरियाणा में कुछ लड़के लड़कियों के पीछे पड़ के, यकीन मानिए किसी भी दिन मैं बंद कर दूंगा क्लास, किसी भी दिन। फिर आप बैठे रहिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा आके ही पढ़ाएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए सर जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से बात यह है कि स्टार्ट करते हैं। प्रमुख उद्योग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। पहला उद्योग स्क्रीन पर लगाइएगा, पंचकूला लिखा होगा, बिल्कुल देखेगा जल्दी से। रोहित यादव बोल रहे सर गर्ल को बोल दो कमेंट ना किया करें। कब तक रोकोगे लड़कियों को, लड़कियों को कब तक रोकोगे आप? लड़कियों को आपने, अपन ने बांध बांध के ना लड़कियों को ऐसे बना दिया है कि वो रास्ते में कोई चलती है, कोई गाली देता है तो जॉब भी नहीं दे पाती, इतना डरी हुई है। हमने उनको ऐसा बांध के रख दिया है ना कि उनको कुछ नहीं करेगी। लड़की को जूजू बना के रख दो, लाड़ली बिल्कुल रानी बिटिया बना दो कि बेटा तू नीचे जा, बाहर जाती है घूमने पढ़ाई करने तो नीचे सिर करके जाना। क्यों जाए भाई नीचे सिर करके? लड़की को बोलेंगे 10 बजे रात के बाहर, क्यों ना निकले भाई 10 बजे रात के बाहर। हम लड़कियों को समझाने से अच्छा है कि लड़कों को समझाएं कि उनको परेशान मत करो, लड़कियां तो छोड़िए, ठीक है। चलिए चलिए साहब, तो जल्दी देखिएगा। नेक्स्ट है आपका पंचकुला के बारे में देखिएगा, अन्य सारी बातें नहीं करते, क्योंकि देखो तीन तीन लोग जो हैं, जो इस टाइप के लोग थे जो लड़कियों को परेशान करते हैं, उन्होंने डिसलाइक कर दिया है, उनको बुरी लग गई शायद मेरी बात, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा जल्दी से क्या लिखा है। लिखा है कि पंचकूला के बारे में, पंचकूला में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भूपेंद्रा सीमेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लियर। अगर आपने एक टीवी देखा होगा उसका नाम है पंजाबी ईटीसी, पंजाबी ईटीसी एक टीवी है जिसमें हमेशा गाना आते रहते हैं, क्या नाम है पंजाबी ईटीसी है जिसमें गाना आते रहते हैं, जैसे सरफरोज चौधरी हैं, उनको बुरा लग गया क्योंकि वो लड़कियां छेड़ते हैं, अब उनको बुरा लग गई बात, तो वो गंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया है। सेम टू यू, अपने मम्मी को भी यही बात बोल देना और अपने पापा को भी यही बात बोल देना, सेम टू यू। मैं आपको बोलता हूं कि आपकी मम्मी और आपके पापा ये, ठीक है। चले पंजाबी ईटीसी, पंजाबी ईटीसी अगर याद आपने कर लिया, पंजाबी में एक चैनल है जिसमें गाने बजते हैं, जिसमें गाने बजते हैं, पी ईटीसी है पंजाबी ईटीसी। पी से हो जाएगा पंचकूला, ई से हो जाएगा
ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ई से इलेक्ट्रॉनिक्स, टी से हो जाएगा क्या आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और सी से हो जाएगा भूपेंद्र सीमेंट। क्लियर? पंजाबी ईटीसी, पीईटीसी, एक ईटीसी चैनल है, बहुत अच्छे गाने उसमें आते हैं, ठीक है। पंचकुला, ई से हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टी से हो जाएगा हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और सी से हो जाएगा आपका क्या भूपेंद्रा सीमेंट। क्लियर? चले सर आगे चलेगा, देखेगा, चले नेक्स्ट देखेगा जल्दी से आपके स्क्रीन में क्या रहा है, नेक्स्ट ट्रिक देखेगा। अगर आप ऐसी अननेसरी बातें करते ना लोग यार, तो बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता, ठीक है। चले नेक्स्ट क्या लिखा है कि अंबाला, अंबाला की मैंने ट्रिक बनाई है, देखेगा भाई साहब अंबाला की मैंने ट्रिक बनाई है, अंबाला की मैंने ट्रिक बनाई है। सर एक भी सिंगल कमेंट अगर आए हेलो हाय गुड इवनिंग नंबर दो, हाय लड़की हाय लड़का, ब्लॉक कर दीजिएगा, भले चाहे दो लड़के बचे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चले नेक्स्ट लिखा है कि पीटीसी ईटीसी कर लो ना यार, ईटीसी कर लो यार, पीटीसी जो भी होगा पंजाबी ईटीसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पीटीसी हो चाहे ईटीसी हो, अपने को याद करके एग्जाम निकाल लें। पी से हो जाएगा पंचकुला, ठीक है, उसके बाद में ई से हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टी से हो जाएगा आपका हिंदुस्तान मशीन टूल्स, और सी से हो जाएगा क्या आपका भूपेंद्रा सीमेंट। क्लियर? चलिए सर थोड़ा सा और स्लाइड को ऐसा पतला कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट ट्रिक्स में है अंबाला, अंबाला के बारे में क्या लिखा है भाई साहब, देखेगा अंबाला के बारे में लिखा है, अंबाला के बारे में लिखा है कि विकास केंद्र, इंजीनियरिंग उद्योग, मिक्सी कम ग्राइंडर, गैस स्टोव, वैज्ञानिक उपकरण। इसकी ट्रिक लिखिएगा जल्दी से, ट्रिक लिखता हूं स्क्रीन में, ट्रिक स्क्रीन में ये है। चलिए छोड़ो सबको, भूल जाओ, आप पढ़ाई करो, जो जैसा बोलेगा कर, जैसा बीज बोएगा वैसा पाएगा, छोड़ो आप पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट करने कोई मतलब नहीं, आपका भी मेरा भी टाइम दोनों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखेंगे जल्दी से, लिखा है आपका कि इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीदा, इंजीनियर विकास ने मिक्सी, इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीदा, ठीक है। कोई इंजीनियर नाम का, इंजीनियर विकास नाम का लड़का था, नई नई नौकरी लगी होगी तो सामान तो खरीदना था घर के लिए, तो उसने क्या किया भाई साहब, उसने इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीदा। क्लियर? अब देखिए इंजीनियर से क्या हो जाएगा, इंजीनियर से हो जाएगा इंजीनियरिंग उद्योग, विकास से क्या हो जाएगा, विकास से हो जाएगा विकास केंद्र, अब से हो जाएगा अंबाला, मिक्सी से हो जाएगा क्या लिखा आपका मिक्सी कम ग्राइंडर उद्योग जो भी है, और स्टोव से हो जाएगा आपका क्या, स्टोव से हो जाएगा आपका गैस स्टोव वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है। चलिए सर एक सिंगल नेगेटिव कमेंट है, ब्लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीदा, क्लियर वाली ट्रिक जल्दी बताओ, क्लियर होगी जल्दी, चलिए चले सर नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, यमुनानगर के बारे में लिखा है, यमुनानगर के बारे में लिखा है, यमुनानगर के बारे में क्या लिखा है जल्दी देखिएगा, यमुनानगर में कौन कौन से उद्योग है, देखिए यमुनानगर में गोला बारूद उद्योग, हरियाणा डिस्टिलरी 1969 में, उसके बाद में सरस्वती सुगर मिल, यमुना गैसेज लिमिटेड, ठीक है। अब इसकी मैंने क्या ट्रिक बनाई है जल्दी से लिखिएगा, ट्रिक लिख रहा हूं, ट्रिक है कि यमुना का पानी पीने से अच्छा है बिस्लरी का पानी पिया जाए, लिखिएगा जल्दी ट्रिक, लिखने में टाइम है, छोड़ा है नहीं लिखते अपन, लिखिएगा जल्दी, लिखिएगा अपने कागज में, मैं आप एक कागज पास में रख लीजिए, उसकी ट्रिक लिख लीजिएगा कि यमुना का पानी पीने से अच्छा है बिस्लरी में पानी पिया जाए, ठीक है ठीक है। आगे लिखिएगा नहीं तो सुगर और गैस की बीमारी हो जाएगी बाद में, नहीं तो सुगर और गैस की बीमारी हो जाएगी बाद में। अगर ये पूरी ट्रिक आपने लिख ली तो पूरी ट्रिक को फिर से बोल रहा हूं मैं कि यमुना का पानी पीने से अच्छा है कि बिस्लरी का पानी पिया जाए, नहीं तो बाद में सुगर और गैस की बीमारी हो जाएगी, बाद में लिख लिया, बाद में इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि
पहला वर्ड मैंने इस्तेमाल किया यमुना, यमुना सब जाएगा यमुना नगर, ठीक है। दूसरा लिखा है मैंने बिस्लरी, बिस्लरी को अंडरलाइन कीजिएगा जल्दी से, बिस्लरी को अंडरलाइन कीजिएगा जल्दी से, बिस्लरी को अंडरलाइन किया अगर आपने तो बिस्लरी में देखिएगा हरियाणा डिस्टलरी, डिस्टलरी बिस्लरी लगभग सेम सेम लग रहा है, हरियाणा डिस्टलरी बिस्लरी लगभग सेम सेम लग रहा है, क्लियर। चलिए बूटा सिंह बोले सर ये ट्रिक्स पेपर में नहीं आती, आई अरे ट्रिक नहीं आती मैं बता रहा हूं, ये उद्योग कैसे याद करना उसकी ट्रिक है भैया, ये उसकी ट्रिक है बच्चे, बच्चे ना तो सॉरी बच्चे नहीं बोलना चाहिए, आप तो मेरे बराबर के होंगे ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है कि आपने लिखा यमुना का पानी पीने से अच्छा है कि बिस्लरी का पानी पिया जाए, नहीं तो शुगर और गैस की बीमारी हो जाएगी बाद में, ठीक है। यमुना से यमुना नगर हो गया, बिस्लरी से डिस्लरी हो गया, शुगर से हो जाएगा देखेगा, शुगर से हो जाएगा आपका सरस्वती शुगर मिल, गैस से हो जाएगा, गैस से क्या हो जाएगा, गैस से हो जाएगा आपका यमुना गैसेस लिमिटेड, और बाद से हो जाएगा बाद को देखे बाद तो बाद से हो जाएगा गोला बारूद उद्योग, बाद गोला बारूद कर लीजिएगा आसानी से आ जाएगा गोला बारूद उद्योग, क्लियर क्लियर। चलिए चलिए क्लियर, फिर से बोलता हूं मैंने क्या बोला, मैंने आप लोगों को प्रमुख उद्योग पढ़ा रहा हूं, प्रमुख उद्योग पढ़ाते समय कहां पर कौन सा उद्योग है, अगर पंचकुला में आपको बोलूं और बोल दूं कि कौन कौन सा, आप बोलोगे भाई हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मशीन टूल्स एचएमटी, उसके बाद भूपेंद्र सीमेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, तीन है, कैसे याद करोगे, वैसे रीड कर लोगे याद हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वैसे रीड करने पर याद नहीं होता है, अगर वैसे रीड करने पर याद नहीं होता है तो आप ट्रिक बना लीजिए, ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा। पहली वाली ट्रिक है, पहली वाली ट्रिक क्या है, पहली वाली ट्रिक है पंजाबी ईटीसी, ईटीसी पीटीसी जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पीईटीसी कर दीजिएगा, पंजाबी ईटीसी कर लीजिएगा, तो पी से हो जाएगा पंचकुला में, ई से हो जाएगा कौन सा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का ई उठा लिया मैंने, टी से मैंने उठा दिया हिंदुस्तान मशीन टूल्स, टूल्स का टी उठा दिया, और सी से उठा लिया भूपेंद्र सीमेंट, क्लियर पहला वाला पॉइंट, ठीक है। भूपेंद्र गढ़वाल बोल रहे हैं कि मेरा नाम याद कर लो, बिल्कुल। दूसरा मैंने याद कराया, दूसरा मैंने पॉइंट दिया अंबाला, अंबाला की मैंने ट्रिक बनाई कि इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीद लिया है, तो भाई जो आपके अंबाला में विकास केंद्र है, इंजीनियरिंग उद्योग मिक्सी कम ग्राइंडर गैस स्टोव वैज्ञानिक उपकरण है, समरसिबल पंप है, कैसे याद करोगे, याद करने का तरीका था कि इंजीनियर विकास ने अब मिक्सी और स्टोव खरीद लिया है, इसमें मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है, आसानी से याद हो जाएगा कि अंबाला में कौन कौन से चीजें हैं, ठीक है। चलिए यूपी वाले लड़के यहां पे क्या कर रहे हैं ये बता दीजिए, ठीक है। यूपी के लोग हरियाणा का जीके क्यों देख रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए मैं तो बोलूंगा पलक बंद करो और सो जाओ। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट क्या लिखा जल्दी से, यमुनानगर, यमुनानगर के बारे में मैंने ट्रिक बनाई कि यमुना का पानी पीने से अच्छा है बिस्लरी का पानी पिया जाए, नहीं तो शुगर और गैस हो जाएगी बाद में। पूरी ट्रिक से आपकी पूरे जितने भी आपके कंपनीज वगैरह होंगी, सब उद्योग वगैरह होंगे, सब आसानी से याद हो जाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट ट्रिक मैंने क्या बताई सर, नेक्स्ट लगा दीजिएगा जल्दी से, करनाल के बारे में, करनाल के बारे में लगाइएगा जल्दी, करनाल के बारे में लगाइएगा जल्दी से। चलिए करनाल के बारे में देखिएगा जल्दी से, बिल्कुल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताइए, अगर कोई डाउट है तो बताते चलना, ठीक है। कुरुक्षेत्र लिखा है पहले, कुरुक्षेत्र के बारे में देखिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने क्या ट्रिक बनाई है जल्दी से याद कर लीजिएगा, कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने क्या ट्रिक बनाई है जल्दी से देख लीजिएगा, कुरुक्षेत्र की टिक लीजिए जल्दी से, हाथ में लिख कागज में जल्दी से कुरुक्षेत्र की टिक लीजिएगा जल्दी से, कि कुछ लोग आजकल खाद को घोलकर मिल्क बना रहे हैं, ये जो ट्रिक है ये सच में ऐसा होता है। कभी अगर रेलवे स्टेशन में आप लोग जाइए तो प्लीज रेलवे स्टेशन वगैरह में चाय मत पिया करिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है कई बार, एक बार नहीं कई बार अपनी आंखों से देखा है, अगर पीजिए तो अच्छी जगह पीजिए जहां पर स्टैंडर्ड हो, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सको, नहीं तो ये क्या करते हैं कि पानी में खाद जो होता है यूरिया डीएपी को घोल के वाइट कर देते हैं और उसकी चाय बना देते हैं, मैंने 5-6 बार अपनी आंखों से देखा है, ढेर सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में देखिएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कहीं भी ऐसी वैसी जगह चाय मत पिया करिए, नुकसान कर सकती है आपको, आपकी जान भी ले सकती है, यूरिया बहुत खतरनाक होता है, पूरी अंदर की आंतों को फाड़ देगा, इतना तेज होता है वो, ठीक है।
तो ये क्या था आपका, ये ट्रिक ये थी कि कुरुक्षेत्र की ट्रिक मैंने बनाई है कि ट्रिक लिखिएगा जल्दी से। ट्रिक ये है कि कुछ लोग आजकल खाद को घोलकर दूध बनाते हैं, मिल्क बना रहे हैं, और ऐसा कोल्ड दूध पीना तेजाब के जैसा है। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट याद ही कर लो आपकी जिंदगी में काम देगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट याद कर लो आपकी जिंदगी में काम देगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अपने भाई बहन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऐसी वैसी जगह चाय मत पिया करो। मैंने अपनी आंखों से 4-5 बार देखा है, बाकी यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोज हैं, खाद घोल के वाइट करके पानी में चाय बनाते हैं, ठीक है। तो इसका था क्या अपना कि ट्रिक हमारी ये थी कि कुछ लोग आजकल खाद को घोलकर दूध बना रहे हैं और ऐसा कोल्ड दूध पीना तेजाब के जैसा है। ट्रिक लिख ली आपने, अगर ट्रिक लिख ली आप लोगों ने, ठीक है, अगर ट्रिक लिख ली तो ट्रिक में पहला मैंने इस्तेमाल किया कुछ से हो जाएगा कुरुक्षेत्र, कुछ को टिक कीजिए, कुछ से हो जाएगा कुरुक्षेत्र, ठीक है। उसके बाद दूसरा वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, क्या दूसरा मैंने बोला खाद से हो जाएगा खाद वाला संस्थान। तीसरा मैंने इस्तेमाल किया क्या आपका कि दूध से हो जाएगा मिल्क प्लांट। चौथा मैंने बोला कोल्ड से हो जाएगा कोल्ड स्टोरेज। पांचवा मैंने बोला तेजाब, तो तेजाब से हो जाएगा तेजाब वाला सेंटर। क्लियर, चलिए। रणबीर शर्मा मत ऐसे कमेंट करो भैया, ब्लॉक कर दूंगा बच्चे। राहुल सैनी थैंक यू, सेम टू यू। ये क्लियर हो गया, कहां पर पीनी चाहिए यार ऑफिस, अच्छा सा कोई नेस्कैफे वगैरह, भले पैसे खर्च कर लो, आप अगर अपने घर पे रहते हो नॉर्मल दूध की पी लो, कम पानी डालो, कोई दिक्कत नहीं। आसपास जो आपकी दुकान है, जो पहचान का है, उसके पास में जैसी चाय बनाए पी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बाहर जाओ तो भले 10-20 रुपए एक्स्ट्रा खर्च जाए, लेकिन चाय अच्छी जगह पियो। और मेरी सलाह मानो, ब्लैक चाय पियो। बाहर हमेशा जाओ तो ब्लैक चाय पियो। खूब चाय पीने के शौकीन हो तो मेरे जैसे एक बॉटल खाई लो, उसमें चाय भर के ले जाओ। अगर 10 घंटे का भी सफर होगा तो 10 घंटे तक चाय गर्म रहती है उसमें। प्लीज बाहर मत पिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेगा साहब, नेक्स्ट आपके स्क्रीन में क्या लिखा है कि करनाल में कौन कौन सा है। करनाल के बारे में ट्रिक लिखिएगा जल्दी से। पंकज सिंह क्या हो गया, करनाल की ट्रिक ये है भाई साहब कि चमड़े के शूज में बेस होता है, जो चमड़े के शूज होता है उसमें जो सोल होता है ना, तो चमड़े के शूज में बेस होता है, बेस मतलब सोल। क्लियर, देखो चाय का ऐसा कि मैं तो चाय का दीवाना हूं, तो चाय मैं क्या करता हूं भाई साहब, चाय अपन बोतल में रख के ले जाते हैं, नजदीक में पहचान की दुकान हुई ठीक है, नहीं तो अपन बोतल में भर लेते हैं, रास्ते भर पीते जाते हैं, ठीक है। जान जाने से अच्छा है कि अपने घर की चाय पी लो, ठीक है। तो नेक्स्ट बोला करनाल के बारे में ट्रिक हमारी थी कि जो चमड़े के शूज में बेस होता है, आप जल्दी से लिख लीजिए चमड़े के शूज में बेस होता है, और आगे लिखिएगा चीनी पेपर स्प्रे। क्लियर, चमड़े के शूज में बेस होता है चीनी पेपर स्प्रे, अगर याद कर लिया आपने तो चमड़े से हो जाएगा क्या, चमड़े से हो जाएगा आपका क्या चमड़ा वाला संयंत्र जो भी है कंपनी है, शूज से हो जाएगा लिबर्टी शूज कंपनी, ठीक है। बेस से हो जाएगा एग्रोबेस। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा चीनी वाली जो कंपनी वो है। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा लिखा मैंने वर्ड, पेपर से हो जाएगा आपका पेपर, और स्प्रे से हो जाएगा स्टेल। क्लियर, चमड़े के शूज में बेस, चमड़ा एक पॉइंट था, शूज दूसरा पॉइंट था, बेस तीसरा पॉइंट था, तीनों यहां से कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट था आपका चीनी पेपर स्प्रे। और जो पेपर स्प्रे मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, यहां पर कि जब भी हमारी बहनें, जब भी कोई लड़कियां बाहर जाती हैं, अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, गाँव में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, गाँव में इतनी सी नहीं है, दिल्ली में कहीं रहते हैं बहुत छेड़छाड़ होती है। दिल्ली में आप बस में बैठेंगे तो छेड़छाड़, पैदल जाएंगे तो छेड़छाड़, ओला में जाओगे तो छेड़छाड़, रिक्शा में जाओगे तो छेड़छाड़, बहुत। तो पेपर स्प्रे एक चीज आती है, पेपर स्प्रे लगभग इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, ठीक है। उसमें की रिंग होती है, आप चाबी भी लगा सकते हो, और उसमें क्या होता है, उसका दबाने वाला होता है, जैसे पेन दबाते ना, यहां पे एक बटन दबाने की होती है, उसके अंदर डेंजरस टाइप का केमिकल होता है। अगर कभी कोई लड़का परेशान करता है, कोई लड़की परेशान करती है, कोई गुंडे बदमाश चाकू छुरी, आप उसको जैसे दबाओगे तो उससे गंदा स्प्रे निकलता है, और अगर उसके आसपास भी कोई सामने होगा ना, उसकी आंखों में जाके तुरंत उसकी आंखों में बहुत डेंजरस तरीके की जलन कर देता है। कितनी जलन करता है मैं बता रहा हूं। एक बार क्या हुआ था कि मेरी बहन ने पेपर स्प्रे खरीदा था, मुझे नहीं मालूम था पेपर स्प्रे, और मैंने बोला कि बदमाश तूने पेपर स्प्रे खरीद लिया, मुझे बताया नहीं, मुझे नहीं मालूम था पेपर स्प्रे, और मैंने धोखे से दबा दिया, और जैसे ही मैंने धोखे से दबाया
सामने कोई नहीं खड़ा था, मैं पीछे था, मैंने ऐसे दबा दिया, यकीन नहीं मानोगे दो दिन तक मेरी आंख लाल थी, इतना डेंजरस होता है। तो जितनी लड़कियां देख रही हैं वीडियो में उनसे रिक्वेस्ट है आप लोग पेपर इस पे खा लीजिए, इतना बड़ा पेपर इसमें आता है, मुश्किल से 250-300 का होता है, आपकी बहुत सुरक्षा करेगा। जब भी जेब में हमेशा रखो लड़कियां का, लड़के भी अगर दिल्ली में रहते हो तो यकीन नहीं मानोगे मेरे बैग में हमेशा एक पेपर इस पे पड़ा रहता है, कहीं जरूरत है निकालने का है डालने का है, दैट्स ऑल। ठीक है, पांच लोग घेर के खड़े हो गए, आसानी से एक पेन जैसी चीज से आप बच सकते हो, एक बार दबा दो सामने वालों की हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, 10 दिन तक भाई साहब उठ नहीं पाएंगे अगर उनके आंखों में चला गया तो, इतना डेंजरस होता है वो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लिखेगा पानीपत के बारे में, देखेगा पानीपत के बारे में क्या लिखा है, पानीपत के बारे में देखेगा, पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, पेट्रो रसायन परिसर, अमोनियम प्लांट और टेबल मैट्स, ये हैं आगे कहां पे, पानीपत में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखा है, सोनीपत रबड़ का सामान मशीनी उपकरण, कौन कौन सा, रबड़ का सामान मशीनी उपकरण, सोनीपत वाली की जो ट्रिक है, सोनीपत वाली की ट्रिक मैंने ऐसी बनाई है, सोनीपत वाले की ट्रिक मैंने ऐसी बनाई है कि सोनी जी ने रबड़ के बैग में अपनी मशीन रखी, सोनी जी ने रबड़ के बैग में अपनी मशीन रखी, सोनी जी ने रबड़ के बैग में अपनी मशीन रखी, सोनी जी से हो जाएगा सोनीपत, रबड़ से हो जाएगा रबड़ का सामान और मशीन से हो जाएगा मशीनी उपकरण। क्लियर, चलिए चले साहब नेक्स्ट देखेगा, सर नेक्स्ट लगाइएगा जल्दी से, नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट आपके स्क्रीन में बिल्कुल मेट्रो में अलाउ है, पेपर इस पर अलाउ है मेट्रो इस मेट्रो में। ठीक है, मैं फिर से एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि देखो बिहार की क्लास में एक बहुत अच्छी बात चल रही है, पहले मैं यूपी क्लास को पहले नंबर पर रखता था लेकिन अब मुझे बिहार की क्लास से प्यार हो गया है, यूपी में फिर भी आजकल नौटंकी होने लगी है, बिहार में इतना अच्छा चलता कभी आप आइएगा, कोई मैंने बोला ना कि इसकी ट्रिक बना के दो, धड़ाधड़ ट्रिक बना के देते हैं यार वो लोग, वो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, गुंजन है, काजल है और प्रदीप है, ऐसे कुछ 7-8 लड़के हैं जो हमेशा इतने अच्छे ट्रिक बनाते हैं, आप लोगों क्लास में भी अच्छे अच्छे पढ़ने वाले लड़के हैं, आप लोग जैसे जांगरा जांगरा यहाँ पे हैं, उसके बाद में आपके निकिता यादव हैं, भूपेंद्र हैं और प्रदीप तिवारी हैं, अच्छे अच्छे लोग आपके क्लास में भी हैं यहाँ पे, तो जैसे मैं कोई चीज बोलूँ ना ट्रिक बनाओ तो ट्रिक बना के दे दिया करो, उसका बेनिफिट क्या होगा कि हमारी क्लास इंटरेक्टिव होती चलेगी। देखो बहस करने ना तो आप आए हो ना मैं आया हूँ, अच्छी पढ़ाई करते हैं सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, फरीदाबाद में कौन कौन सा है, फरीदाबाद में आपका सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, एस्कॉर्ट लिमिटेड, आयसर लिमिटेड, जेसीबी इंडिया लिमिटेड, गुड ईयर लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड और टायर ट्यूब उद्योग हैं, कहां पर, फरीदाबाद में है, याद कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसका ट्रिक बना के देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, जल्दी से ट्रिक बना के दीजिएगा, जल्दी जल्दी से ट्रिक बना के दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से ट्रिक बना के दीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ट्रिक बनाइएगा भाई साहब इसकी जल्दी। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि नेक्स्ट लिखा है क्या आपका पलवल, पलवल में क्या है, पलवल में देखिएगा कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। ठीक है, आगे देखिएगा गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या क्या है, गुरुग्राम में आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र मानेसर, शीशे का सामान, होंडा स्कूटर, मारुति सुजुकी उद्योग। ठीक है, प्रशांत मिश्रा बोल रहे हैं सर इसमें से कितना आएगा, डियर इसमें से कितना आएगा ये तो नहीं मालूम लेकिन आएगा, क्वेश्चन पूछता है यहां से, उद्योग से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए प्रशांत मिश्रा भी अच्छे पढ़ने वाले हैं, इनके डाउट्स अच्छे अच्छे डाउट्स होते हैं इनके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, नेक्स्ट आपका रेवाड़ी, रेवाड़ी में क्या क्या है, रेवाड़ी में देखिएगा चमड़े के जूते, हस्तशिल्प धागे के उद्योग इकाइयां, चमड़े के जूते और हस्तशिल्प उद्योग इकाइयां। ठीक है, इस सब की ट्रिक्स प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक जिला एक एक जगह पकड़ लीजिए, कोई पलवल कर दे, कोई गुरुग्राम कर दे, 327 लोग वीडियो देख रहे हैं, 24 घंटा होते होते 2-3-4 हज़ार वीडियो देख ही लेते हो, एक आदमी पलवल पकड़ ले, एक आदमी गुरुग्राम पकड़ ले, एक एक जिले की ट्रिक बना के दे दीजिए, कोई रेवाड़ी पकड़ ले, कोई झज्जर पकड़ ले, सबको ट्रिक बना के वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में जाके दे दीजिए, बहुत मजा आएगा, और जो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे मैं कोई एहसान नहीं करूंगा लेकिन उनका नाम लूंगा यहां पर और उनके नाम के साथ में ट्रिक बताऊंगा कि देखिए फलाने फलाने जी ने ये ट्रिक दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से, झज्जर में क्या क्या है, झज्जर में आपका टायर, बिस्कुट, बिजली के उपकरणों की उद्योग इकाइयां, रिलैक्सो जूता उद्योग आदि आदि हैं। ठीक है, झज्जर में सर नेक्स्ट लगाइए जल्दी से, इसकी प्लीज ट्रिक बना के दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए भूपेंद्र गुड़वाल ने बनाया कि सेना के जवान आए जेसीबी लेकर रोड ठीक करने, सेना के जवान आए
जेसीबी लेकर रोड ठीक करने, शानदार ट्रिक बनाई है इन्होंने। फरीदाबाद में कौन कौन से हैं देखेगा, जो अपने बर्नवाल दीपक साहब का उनका नाम है, नाम बोल गए इनका, इन्होंने बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है कि सेना के जवान आए जेसीबी लेकर रोड ठीक करने, ये वाली ट्रिक से आपका फरीदाबाद का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट आपके स्क्रीन में आ रहा होगा भिवानी। भिवानी में सूती वस्त्र उद्योग 1945 में स्थापित किया गया था। उसके बाद लोगों के गर्डर, कृषि औजार और कॉटन टेक्सटाइल ओपन किया गया, कॉटन टेक्सटाइल मतलब 1945 में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है आपका हिसार में। हिसार में टेक्सटाइल मिल जिंदल ग्रुप की औद्योगिक इकाइयां भी वहां पर स्थापित है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ याद ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, सिर्फ याद करना है। ट्रिक्स बना के याद करोगे तो याद रह जाएगा। ऐसी ट्रिक बनाओ कि एक पूरी लाइन हो, एक दो लाइन, तीन लाइन शायरी जैसी हो, शायरी में पूरे वर्ड इस्तेमाल कर दो तो आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेगा आपका रोहतक। रोहतक में क्या है आपका, बिजली का सामान, रेवड़िया शल्य चिकित्सा उपकरण, कहां पे, रोहतक में। नेक्स्ट सिरसा। सिरसा में है साहा फूड पार्क डबवाली, साहा फूड पार्क डबवाली। क्लियर, चलिए सर चेंज कीजिएगा जल्दी से, जल्दी ट्रिक बना के आप लोग, जल्दी से ट्रिक बना के आप लोग कमेंट सेक्शन में, अभी यहां पे दोगे तो हो सकता है नहीं पढ़ पाऊं, कमेंट सेक्शन में जरूर दे देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट क्या रहा है इसमें आपके, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन में क्या रहा है जल्दी से देखिएगा भाई साहब। बिल्कुल, चलिए देखेगा यमुनानगर में क्या क्या है आपका। यमुनानगर में पंचकुला में टी पार्क है, यमुनानगर में बल्लारपुर पेपर मिल है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड है, हरियाणा डिस्टिलरी है, रेलवे कैरिज तथा वैगन वर्कशॉप है, टिम्बर मार्केट, पूर्व नाम जिसका अब्दुल्लापुर था वो भी है। ठीक है, बाकी फिर नाम नीचे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी नाम इंग्लिश पर लिखे हुए हैं। हाँ, प्रदीप तिवारी बोल रहे हैं आपको इंस्टाग्राम पर शेयर, कोई दिक्कत नहीं, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो। संदीप गोलू शुक्ला के नाम से मैं हूँ इंस्टाग्राम में, संदीप गोलू शुक्ला। फेसबुक में संदीप कुमार शुक्ला के नाम से, वहां शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में शेयर कर दो, बस शेयर कर दो यार, शेयर कर दो ताकि बाकी भाई लोगों को भी अपनी ट्रिक्स पता चल सके। क्लियर, चलिए चलिए साहब नेक्स्ट लगाइए सर जल्दी से। यमुनानगर के बाद नेक्स्ट लगाइएगा करनाल के बारे में, लगाइएगा करनाल के बारे में, करनाल के बारे में जल्दी देखिएगा करनाल की कौन सी ट्रिक है। लिबर्टी सूज, चलिए देखेगा पानीपत के बारे में, देखेगा जल्दी से पानीपत की कौन सी ट्रिक है, जल्दी पानीपत की ट्रिक देखेगा। देखेगा साहब जल्दी से पानीपत की ट्रिक क्या है, तेल शोधक कारखाना, यूरिया संयंत्र, कैप्टिव विद्युत संयंत्र, गलीचे, हथकरघा उद्योग, दरिया, कंबल, बेड कवर, डिब्बा बंद, सूखी सब्जी, पचरंगा अचार और बासमती चावल की संयंत्र वहां पर कारखाने स्थापित किए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंकज सिंह बोले कि सर क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे, एग्जांपल दे दो। एग्जांपल पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन से संयंत्र की स्थापना पानीपत में की गई है, ए बासमती चावल उद्योग, बी पचरंगा अचार उद्योग, सी एशियन रोगन उद्योग चीनी मिल और डी तेल शोधक कारखाना। जो सी नंबर का पॉइंट था वो गलत था, उसकी स्थापना नहीं की, बाकी सबकी स्थापना की गई है, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है जल्दी से। नेक्स्ट लिखा है आपका सोनीपत। सोनीपत में एटलस साइकिल, भार तौलने की मशीन, मोटर गाड़ियों के पुर्जे, वार्निश स्टील फर्नीचर, मुरथल की शराब। मुरथल बहुत फेमस है, आज हम लोग आज ही सब कोई बैठ के प्लान बना था कि अपन लोग मुरथल चलेंगे, मुरथल के पराठे बहुत ज्यादा फेमस है। और यकीन मानिए किसी ना किसी दिन जैसे ये क्लास फिनिश होगी, क्लास 11:45 12 खत्म होगी और यहां से 12 बजे निकल के 1-2-3 बजे हम मुरथल पहुंचेंगे। जिस दिन मुरथल जाने का प्लान होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आप लोग आइएगा। ठीक है, चलिए पार्टी मेरी तरफ से। नेक्स्ट देखिएगा रोहतक में क्या क्या है भाई साहब। एशियन रोगन उद्योग चीनी मिल, एशियन रोगन उद्योग चीनी मिल रोहतक में है। ठीक है, उसके बाद में आपका फरीदाबाद में देखेंगे जल्दी से। फरीदाबाद में बिल्कुल बहुत सुंदर, सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूं कि जब से वो, हालांकि गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे अन्य सारी गुस्सा आ गया, लेकिन जब से चीजें ठीक हो रही है, मतलब कोई भी गंदा कमेंट नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा है, अच्छा लगता है यार। साफ स्वच्छता से पढ़ाई होती है, मजा आती है। देखो सबका अपना स्थान, मैं भी एक लड़का हूं, मुझे मालूम है जब यहां पे मैं खड़ा हूं तो मुझे कैसी बात करना है, जब दोस्तों के साथ होता हूं तो कैसी बात करना है, सबका अपना अपना एक स्पेस होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन सिर्फ पढ़ते हैं, दोस्तों के साथ जैसी बात करना होगा अपन वैसी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेगा। बिल्कुल प्रदीप तिवारी, जब भी जाएंगे जरूर बताएंगे, जिस दिन जाने वाला होगा मुरथल आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट आपका फरीदाबाद में चिकित्सा उपकरण, ट्रैक्टर, राजदूत मोटर साइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर टूल्स आदि, ठीक है। उसके बाद देखेगा नेक्स्ट लिखा है गुरुग्राम, गुरुग्राम में आपका स्वर्गीय चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी, सात इंडस्ट्रियल स्टेट मोटर, गाड़ियों के पुर्जे, दवाइयां आदि, ठीक है। इसको फिनिश कर देते हैं, उसके बाद ढेर सारी ट्रिक्स आप लोगों को लेके आया हूं, ढेर सारी ट्रिक्स आपको वो बता दूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी से ट्रिक्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए, ढेर सारी बनाई है, ये सब देता जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए रेवाड़ी में देखिएगा इनलैंड कंटेनर डिपोटाइल स्लेट पीतल बर्तन हीरो मोटरसाइकिल धारूढ़, क्लियर। चलिए महेंद्रगढ़ में देखिएगा, महेंद्रगढ़ में क्या क्या आपका नॉर्नॉल सीमेंट प्लांट फैक्ट्री, पशु आहार फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 याद कर लीजिएगा, कैसे भी करके याद कर लो, याद करना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए महेंद्रगढ़ के बाद में दादरी में देखिएगा, जल्दी से इसको फिनिश करते हैं, इसको फिनिश करने के बाद में ढेर सारी ट्रिक्स आप लोगों को लेके आया हूं, ट्रिक्स बता देता हूं ताकि चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए देखिएगा जल्दी से, दादरी हो गया, महेंद्रगढ़ में हो गया नारनौल सीमेंट प्लांट फैक्ट्री, पशु आहार फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री, ठीक है। दादरी में देखिएगा, दादरी में क्या है आपका सेठ रामकृष्ण सीमेंट फैक्ट्री, चरखी दादरी, और भिवानी में क्या क्या है चिनार फैब्रिक लिमिटेड, भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल 1943, क्लियर। ये सिर्फ याद करना है, इसकी ट्रिक आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट लिखा क्या देखेगा, हिसार में सूती वस्त्र पीवीसी पाइपलाइन के गार्डर, लकड़ी लड़की का सामान नहीं यार, लकड़ी का सामान, क्या करूं मैं टाइपिस्ट का, हमारे लड़की कल ऐसे करंट अफेयर्स में लड़की कर दिया था इसने, लकड़ी का सामान होगा ना कि लड़की का। चलिए हिसार चेंज कीजिएगा सर, हिसार के बाद में जल्दी से जिंद के बारे में लगा दीजिएगा, जिंद के जल्दी से तीन बचे हैं, तीन को फिनिश कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को ढेर सारी ट्रिक्स देता हूं, ठीक है। आज भले समय ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आज जो हमारे राजेश जी हैं जो यहां पे बैठते हैं उनको थोड़ा सा चाय पिला दूंगा, तो शायद 10-20 मिनट उसमें खींच दूंगा उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा जल्दी से, नेक्स्ट लिखा है आपका जिंद के बारे में, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, इन लक्ष्मी फूड्स लिमिटेड, चीनी और साइकिल कारखाने, क्लियर। नेक्स्ट है कैथल, कैथल में ट्यूबवेल, तार, प्लास्टिक थैले, चावल गत्ता मिल, बिस्कुट और ब्रेड उद्योग, इसकी ट्रिक्स बनाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, इतने सारे आप लोग लाइव देख रहे हो, एक आज जगह पकड़ लीजिए, कोई जिंद पकड़ ले, कोई कैथल पकड़ ले, कोई कुरुक्षेत्र पकड़ ले, कोई फरीदाबाद पकड़ ले, ट्रिक बना दीजिए, गारंटी से कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है लास्ट वाला आज का, कुरुक्षेत्र में चीनी मिल और चावल मिल है, कुरुक्षेत्र याद करने का तरीका है कि चाची चावल और चीनी मिल, क्लियर। चलिए साहब आप करते हैं अपन महत्वपूर्ण ट्रिक्स, महत्वपूर्ण ट्रिक्स देखेगा जल्दी से, ट्रिक्स देखेगा जल्दी, ट्रिक देखिएगा जल्दी से, आज ट्रिक ही नहीं मिलेगी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, चलिए ट्रिक मिल गई है, ट्रिक आपको बता दूं, आपको मालूम होगा कि एक सिख धर्म होता है, सब कुछ हटा दीजिएगा, सिख धर्म के बारे में आपने सुना होगा, सिख धर्म में टोटल 10 कौन थे उनके गुरु थे, सिख धर्म में टोटल 10 गुरु थे, 10 गुरुओं की ट्रिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ट्रिक यह है कि गुरु का अंग अमर हो गया, गुरु का अंग अमर हो गया राम जैसे, गुरु का रंग अमर, गुरु का अंग अमर हो गया राम जैसे आज भी, गुरु का अंग अमर हो गया राम जैसे आज भी। उस वक्त हर लिख के आप एसआरके कर दीजिए, एसआरके मतलब शाहरुख खान, एसआरके को जीआरके कर दीजिए, एसआर को क्या कर देंगे जीआरके, और नीचे लिख देंगे तेज गोविंद। ये ट्रिक ये है, ये ट्रिक ये है कि गुरु का अंग अमर हो गया राम जैसे आज भी, हर जी आर के कर दी, एस आर के जगह पे जी आर के कर दीजिएगा तेज गोविंद, गुरु से हो जाएगा गुरु नानक,
लिखेगा जल्दी से ले लीजिएगा। गुरु से हो जाएगा गुरु नानक, अंग से हो जाएगा गुरु अंगद, अंग से हो जाएगा गुरु अंगद, अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास, अमर से हो जाएगा गुरु अमरदास। गुरु अंगद का नाम लहना भी था, गुरु अंगद को लहना भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में राम से हो जाएगा रामदास, गुरु रामदास। आज से हो जाएगा गुरु अर्जुन, आज का अर्जुन, अर्जुन। उसके बाद में हर, तीन ऐसे गुरु थे जिनके नाम के आगे हर आता था। एस आर के को जी आर के कर दीजिए, एस आर के को मिटा दीजिए, जी आर के से हो जाएगा गुरु, जल्दी बताइए, हर गोविंद, हर गोविंद, हर राय और हर किशन, क्लियर। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद, गुरु गोविंद सिंह जी, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। फिर से बोल देता हूं एक बार, ठीक ये है, चलिए। गुरु का अंग अमर हो गया राम जैसे, आज भी हर जी आर के तेज गोविंद, गुरु गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन, हर गोविंद, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, क्लियर। चलिए क्लियर, चलिए नेक्स्ट बताता हूं जल्दी से। नेक्स्ट ट्रिक यह थी, नेक्स्ट ट्रिक ये थी, आप लोगों को मैंने शायद ये वाली ट्रिक पहले ही बताई होगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये वाले क्वेश्चन ढेर सारे बार पूछा है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, 86 में, 87 में और 88 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, आपसे हमेशा पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ, दूसरा अधिवेशन कहां हुआ, तीसरा अधिवेशन कहां हुआ, चौथा अधिवेशन कहां हुआ। लास्ट लाइन से 85, 86, 87, 88 चारों साल के अधिवेशन कहां हुए, एक। दूसरा, उसका कौन कौन अध्यक्ष था, यह पूछता है। तो यह ट्रिक याद कर लीजिएगा, बकमा, बी के एम ए, बकमा, और एक कर लीजिएगा बी एन टू यू, बंटू, बकमा और बंटू। अगर यह याद हो गया तो आसानी से आप याद कर लेंगे कि 1885, 86, 87, 88 चार साल लगातार बकमा बंटू कर लेंगे, तो बी से हो जाएगा बैनर्जी, नौरोजी, तैयब जी और यूल, बनर्जी, बैनर्जी साहब ने पहली बार अध्यक्षता की, फिर नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, तैयब जी और यूल, इन्होंने अध्यक्षता की लगातार चार साल। उसके बाद में बकमा से हो जाएगा बंगाल, ठीक है, सॉरी बंबई, 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 बी से बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अलाहाबाद, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अलाहाबाद, ठीक है। क्लियर, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अलाहाबाद, बनर्जी, नौरोजी, तैयब जी, यूल, 85, 86, 87, 88, क्लियर। चलिए एक और ट्रिक देता हूं जल्दी से आप लोगों के लिए। एक ट्रिक यह है कि एक, अगर आपने लुसेंट पढ़ा होगा, अगर आपने लुसेंट पढ़ा होगा तो लुसेंट में देखिएगा, लास्ट में, लुसेंट में लास्ट में सात अधिनियम दिए हैं, कितने, सात अधिनियम दिए हैं, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। सातों अधिनियम में बोलेगा कि सातों अधिनियम का नाम क्या है, उसके समय गवर्नर, गवर्नर जनरल कौन था और किस सन में होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने बना के लाया हूं। ट्रिक ये है, बताता हूं जल्दी से, ट्रिक ये है कि सिस द हिंदू नास, सिस द हिंदू नास, शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल और शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट, ए बी सी डी, टोटल सात हो गए, एक दो तीन चार पांच सात। शिशुवध प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा पर प्रतिबंध, दास प्रथा पर प्रतिबंध, हिंदू विधवा पुनर्विवाह, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल और पूनम जी, बातें बाद में होंगी, ठीक है, आपसे ब्लॉक हो चुके, नई आईडी बनाना, फिर आपसे बात करूंगा, ठीक है। शिशुवध प्रथा प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास
प्रथा प्रबंध, हिंदू विधवा पुनर्वाह एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसाइंड विल और शारदा प्रथा। क्लियर? इसकी पूछेगा कि आपसे इस टाइम पे कौन कौन गवर्नर जनरल था। इसकी ट्रिक लिख लीजिए। इसकी ट्रिक ये है कि जेल लगाओ बाल में, ठीक है। जेल लगाओ बाल में, उसके बाद में ना आगे लिख लीजिएगा उसमें कागज में कि कनिंग मत बनो। कनिंग मतलब आलसी। जेल लगाओ बाल में, कनिंग मत बनो। अगर तुमने बुक को डाउन किया, अगर तुमने बुक को डाउन किया तो तुम डस्टबिन में चले जाओगे। तो तुम डस्टबिन में चले जाओगे। क्लियर? ट्रिक फिर से एक बार सुन लीजिएगा जल्दी से। शिशुवध प्रथा, सती प्रथा प्रबंध, दास प्रथा प्रबंध, हिंदू विधवा पुनर्वाह एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, एज ऑफ कंसाइंड बिल और शारदा अधिनियम। क्लियर? जेल लगाओ बाल में, कनिंग मत बनो, आलसी मत बनो। अगर तुम बुक को डाउन करोगे मतलब बुक को नीचे फेंकोगे तो तुम डस्टबिन में चले जाओगे। अब देखिएगा, जेल से हो जाएगा वेले जली, ठीक है। ये बी से हो जाएगा कौन, विलियम बेंटिक। ए से हो जाएगा एलन बरो। कनिंग से हो जाएगा कर्जन। बुक से हो जाएगा नॉर्थ ब्रुक। डाउन से हो जाएगा लेंस डाउन। और डस्टबिन से हो जाएगा इरविन। क्लियर? चलिए, इसका याद करने का, ईयर याद करने का तरीका क्या है? पहला वाला जो है ये है आपका 1798 1805। क्लियर? बाकी एक मोबाइल नंबर टाइप याद कर लीजिए कि 29 43 56 29 43 56 72 91 30 72 91 30। ये आपकी याद करने का ट्रिक है। 1700 1800 1900 जो लगाना आप लगा लीजिएगा। आप देख लीजिएगा लूसेंट में, हिस्ट्री में लास्ट के पेज में लिखी पूरी, ये पूरा डाटा लिखा है। आप ये ट्रिक है और वहां से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। क्लियर? चलिए, तो आज हो गया ऑलरेडी लेट, ठीक है। चलिए, चीजों को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आप लोगों के लिए और ढेर सारी ट्रिक्स लेकर आऊंगा, ढेर सारे उद्योग की भी ट्रिक बनाऊंगा। आप लोग भी प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग ट्रिक बना के कमेंट सेक्शन में जा, वीडियो खत्म होगा, कमेंट सेक्शन में जाना 10-20 मिनट के बाद में, कमेंट में डाल देना, अपना नाम लिख देना, आप कहां से हो वो लिख देना, और ट्रिक बना देना, किसकी ट्रिक बना रहे हो, नाम, फिर कहां से वो और कहां की ट्रिक बना रहे हो वो बना दीजिएगा जल्दी से। क्लियर? ठीक है, चीजों को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने डिसलाइक किया तो कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक तो ठीक है, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है ये जरूर बता दीजिएगा प्लीज, ताकि मुझे मालूम चले कि डिसलाइक क्यों किया है। आपकी अगर जो शिकायत गिले शिक में होंगे मुझे मालूम चलेगा तो मैं आपकी डाउट्स को और आपकी प्रॉब्लम को दुरुस्त कर सकूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल 10:40 में करंट अफेयर्स और 11 बजे हरियाणा जी के। गुड नाइट।